इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर घंटी मारिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आता रहे। मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन वास्तु एस्ट्रोलॉजी। मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम राहु के ऊपर वीडियो लेके आए हैं दोबारा से कि राहु का जो नक्षत्र बदलने जा रहा है 21 मई 2020 को, वो मृग शिरा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहा है, क्योंकि आद्रा नक्षत्र से ये इसका जो गोचर चाल है वो ख़त्म होने जा रहा है। अगले महीने 21 तारीख को ये मृग शिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा पहले चरण के साथ ही। मृग शिरा नक्षत्र जो होता है वो इसका जो कंसर्न माना जाता है हिरण के सिर के साथ माना जाता है, और दूसरी बात ये है इसका जो देवता ग्रह माना जाता है वो सोमा और चंद्रमा के साथ इसका लिंक माना जाता है, लेकिन इसका जो लॉर्ड होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से वो उसका मंगल ग्रह माना जाता है, इसका स्वामी ग्रह जो होता है, और देवता इसका सोमा माना जाता है। अब इस नक्षत्र के बारे में तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि क्या चेंज होने वाला है, लेकिन आज हमने कुछ ऐसी चीज़ें निकाली हैं कि इस नक्षत्र का प्रभाव क्या पॉजिटिव होगा और क्या नेगेटिव होगा, और इस नक्षत्र का जो इन्फ्लुएंस है वो क्या आने वाले टाइम पे हमें इस बीमारी से मतलब बाहर लेके आएगा या नहीं, ये आज हमने बैठ के इसके ऊपर कैलकुलेशन करी है। और जो मृगशिरा नक्षत्र होता है उसका स्वामी ग्रह मंगल माना जाता है। मंगल आपको मालूम ही है कि काफ़ी गर्म स्वभाव का प्लैनेट माना जाता है। राहु जो है जब भी मंगल के नक्षत्र में आता है तो मंगल की पावर को काफ़ी बढ़ा देता है। राहु का काम होता है कि जैसे किसी भी नक्षत्र में जब प्रवेश कर देगा उस ग्रह की पावर को इनक्रीज़ कर देना, यानी कि उनकी चीज़ों को बढ़ा देना, क्योंकि पापी ग्रहों का यही मतलब स्वभाव होता है। जैसे केतु का भी स्वभाव यही होता है कि जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह की कारतत्व चीज़ों को डबल कर देता है, उसकी पावर को डबल कर देता है। अगर मारक है तो मारक की तरह, अगर शुभ है तो शुभ चीज़ों में परिवर्तन ले आता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जैसे ये मृगशिरा नक्षत्र जो कि इसका देवता गण चंद्रमा माना जाता है, सोमा माना जाता है, और मंगल इसका लॉर्ड माना जाता है जो ग्रह है, क्या क्या चेंज लेके आ रहा है, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। आप सबको मालूम है कि राहु जो है वो मंगल के नक्षत्र में या मंगल के साथ हो जो तो एक अंगारक योग भी बनाता है। जैसे हमने कई बार कुंडलियों में गोचर में ये जब योग बनते हैं उसके ऊपर कई वीडियो भी डाली हुई हैं यूट्यूब में, तो क्या नक्षत्र जो आ रहा है मंगल का, क्या ये वाकई में इस तरह से परिवर्तन लेके आएगा, क्या सृष्टि के ऊपर हानिकारक होगा या फायदे वाला होगा, तो इसको आज हम गहराई के तौर पर एनालाइज करते हैं। देखिए, ये जो नक्षत्र माना जाता है, पहले तो नक्षत्र को समझना होगा। ये एक नक्षत्र जो माना जाता है एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का, यानी कि एक जिसको कहते हैं कि बहुत ही इंटेलिजेंस रिसर्च का नक्षत्र माना जाता है। सबसे पहले बात तो ये है कि रिसर्च ऑफ माइंड एबिलिटीज़ का ये नक्षत्र माना जाता है, मोटिवेशन का भी नक्षत्र माना जाता है, और लोगों की जो हैबिट्स हैं वो इस नक्षत्र में काफ़ी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि ये जो मृगशिरा नक्षत्र है हिरण के साथ इसका लिंक माना जाता है, इसकी वजह से ही इस नक्षत्र का प्रभाव जो है ये काफ़ी अच्छा भी माना जाता है, और हमारे माइंड में नई नई आइडियाज़ क्रिएट करता है। हम नई इन्वेंशन में जाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेंट होती है, नई नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं, और मतलब एक खोजी ग्रह की तरह इस नक्षत्र का हमारे ज्योतिष शास्त्र में इसको माना जाता है। और मृग जो होता है आपको मालूम है हिरण बड़े शांत स्वभाव का होता है, और ये बहुत नाजुक एक जीव माना जाता है, बहुत जल्दी डर जाता है, डरपोक भी माना जाता है, और मंगल का लिंक सैनिकों के साथ माना जाता है, थोड़ी खिलाड़ियों के साथ, यानी कि जो भी फायर फाइटिंग वाले होते हैं, जो कॉम्पिटिशन्स वाले होते हैं, उसके साथ मंगल का ऊर्जा के साथ लिंक माना जाता है। तो अब ये दोनों का कॉम्बिनेशंस क्या पैदा करेगा, ये आज हम इसके ऊपर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली जैसे ही
21 तारीख को अगर हम लेके चलते हैं तो राहु अपना आद्रा नक्षत्र छोड़ते हुए मृगशिरा नक्षत्र में जैसे प्रवेश करेगा तो काल पुरुष की कुंडली में ये तीसरे भाव में रहेगा राहु। तीसरा भाव जो होता है हमारे लंग्स का होता है, खांसी का होता है, हमारे गले का होता है। अब यहाँ पर जो हमारी वायरस की प्रॉब्लम चल रही थी उसमें जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको बहुत अच्छी ये यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ दिखती है कि उनकी रिसर्च यहाँ पर कामयाब होने वाली है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बेचारे मतलब कि रिसर्च में लगे हुए हैं। इनको एक कंक्लूड नहीं डिसीजन मिल पा रहा है कि कौन सी मेडिसिन इस वायरस के लिए एंटीवायरस डोज बनाई जाए जो कि मानव जाति की जो ये कैजुअल्टी होती है इसको कम किया जाए। तो ये नक्षत्र की एक स्पेशलिटी होती है कि नई नई रिसर्च ये पैदा करता है। और राहु जो है आपको मालूम ही है कि राहु जो है एक एक शैडो प्लैनेट है, यानी कि जो भी काम करता है बिल्कुल गुप्त तरीके से करता है। अगर कोई बुरा करेगा तो गुप्त तरीके से करेगा, और अगर अच्छा करेगा तो गुप्त तरीके से ही ये चीज़ों को सुधार भी लेके आ सकता है। अब अगर देखा जाए तो इस समय काल पुरुष की कुंडली में जो गुरु और शनि का योग दशम स्थान में दिखा रहा है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली मेष राशि से एक नंबर के को ही बेस बना के ली जाती है, गुरु की इस समय जो 21 तारीख को दृष्टि होगी वो आपकी सूर्य बुध और शुक्र पर होगी। बुध जो होता बुध इस समय वृषभ राशि में संचार करेगा, शुक्र ऑलरेडी स्वयं की राशि में, एक लक्ष्मी नारायण योग भी इसको बोलते हैं। सूर्य साथ में होने से ये एक प्लस पॉइंट दे रहा है, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। तो पंचम दृष्टि से ये जो तीन भावों को देख रहा है बृहस्पति, यहाँ पर सूर्य के साथ संपर्क होने से और बुध के ऊपर दृष्टि होने से जो मेडिसिन्स हैं वो काफ़ी कारगर सिद्ध होनी चाहिए। इवन कि अगर आप देखेंगे कि आयुर्वेद में भी इसका मेडिसिन का कोई ऐसी चीज़ सामने लेके मतलब आने वाले हैं, हमारे जो रिसर्च सेंटर हैं आयुर्वेद के, एक ऐसी मेडिसिन लेके आ रहे हैं जिससे इम्यूनिटी पावर आपकी स्ट्रांग होने से आपको ये वायरस से मतलब कि कोई भी जो कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं उसमें ये काफ़ी डिक्लाइन अवस्था में ले आएगा। क्योंकि इम्यूनिटी आपने देखा होगा कि मोर्टेलिटी जो रेशियो है उसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो इट मीन्स कि जो जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनके ऊपर कैजुअलिटी ज़्यादा हो रही है। तो इसका एक ही तोड़ने का एक कारण है, इसकी इम्यूनिटी को बढ़ा दिया जाए। तो हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हिमालय में आज भी मौजूद हैं जो कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं आयुर्वेद के वो इस रिसर्च में लगे हुए हैं कि इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी मेडिसिन कारगर होगी जो इमिजिएटली इफेक्ट करेगी। लॉन्ग टर्म पे तो काफ़ी मेडिसिन अवेलेबल होती है हमारे, जैसे गिलोय का पानी हम बोलते हैं, तुलसी का काढ़ा है, लेकिन एक परफेक्ट मेडिसिन हमें चाहिए बनकर तैयार होने के लिए आयुर्वेद के द्वारा भी, जो कि हमारी इम्यूनिटी को एकदम स्ट्रॉन्ग करे और हम इस अटैक से बच सकें। तो ये एक शुभ साइन यहाँ पर दिख रहा है। और दूसरी बात यह है कि राहु जैसे मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेगा कि राहु की जो दृष्टि होगी वो सीधी तुला राशि पे जाएगी, और शुक्र उसका जो लॉर्ड है वो स्वयं की राशि में होने से यहाँ पर एक ये भी शुभ साइन दे रहा है, क्योंकि सातवें भाव का लॉर्ड शुक्र सेकंड हाउस में होने से, तो इसका ये मतलब निकल रहा है कि जो डेली रूटीन के वर्क लोग कर रहे थे उसमें भी उनको ये टाइम उनके पास खुलने वाला है। और राहु की जो सातवीं दृष्टि इस वक्त केतु पर जा रही है यहाँ पर, तो राहु और केतु का जो काल सर्प योग का यहाँ पर संगम आपस में बना हुआ है अभी तक, और ये बनेगा अभी आगे क्योंकि एक ग्रह सारे एक साइड में चल रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ ये इंडिकेट कर रहे हैं कि चीज़ों में जो सुधार आएगा वो इन पापी ग्रहों की गिरफ्त में ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें स्थिरता की तरफ आगे दिखाई दे रही हैं। अब अगर बात करें राहु की नौवीं दृष्टि की, नौवीं की दृष्टि जो राहु की मृगशिरा नक्षत्र के साथ पड़ेगी वो मंगल पर ही पड़ेगी। अब यहाँ पर राहु की कनेक्टिविटी मंगल पर दिखा रहा है क्योंकि मंगल का ही नक्षत्र होगा, मंगल लाभ भाव में संचार कर रहा है। जैसे राहु की मंगल के साथ कनेक्टिविटी दिखाएगी तो काल पुरुष की कुंडली में मंगल उच्च यानी कि कुंभ राशि में लाभ भाव में चल रहा है और एट्थ हाउस का लॉर्ड है, तो मंगल यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ कारगर सिद्ध होने वाला है। लेकिन एक चीज़ और है, अगर इसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस की बात करें तो राहु का मंगल का ये जो योग है वो एक पूरे वर्ल्ड में एक शक की सुई पैदा करता है, शक की चीज़ों से
क्या होगा कि जब एक दूसरे पे हम शक करने लग पड़ेंगे कि उसकी वजह से ये हुआ, तो इसके इस नेगेटिविटी को जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये एक मानव जाति के लिए एक समझ लीजिए कि अच्छी साइन नहीं दिखती है। अगर हम शक की निगाह से हर चीज़ को देखेंगे तो आगे जाकर ये इसका इफेक्ट जो है वो अंगारक योग में परिवर्तन हो सकता है, जो कि युद्ध के कगार पर भी आ सकता है। इससे बचने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए और गुरु की पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मानव जाति के ऊपर ऑलरेडी बहुत कष्ट चल रहा है और इसको हमने डिक्लाइन करना है, बढ़ाना नहीं है किसी भी चीज़ में, क्योंकि ये राहु मंगल का जो युति बनेगी यहाँ पर, मतलब कि आपस में अंगारक योग बनाएगा, ये एक नेगेटिव साइंस यहाँ पर इसका प्रभाव में दिखता है। दूसरी चीज़ ये दिखती है कि अगर फैमिली लाइफ की बात करें तो हम घर में भी छोटी छोटी चीज़ों से हमें चिड़चिड़ापन आएगा, और हम घर में भी हमारे पति पत्नी में स्पेशली ये एक मतलब कलेश का उत्पन्न का कारण भी ये राहु के मंगल का योग जो बन रहा है अंगारक, ये भी बन सकता है, जिसको कि दूर करने के लिए हमें अपने स्वभाव में काफ़ी कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है। और अगर हमें कुछ चीज़ों के जैसे समझ नहीं आती और हम बिना समझे ही उस चीज़ को माइंड में टेंशन में लेकर अगर घर के वातावरण को ख़राब करें तो हमारे घर का वातावरण आगे चल के काफ़ी ख़राब होने वाला है, क्योंकि ये नक्षत्र जनवरी 2021 तक चलेगा। राहु का ये मृगशिरा नक्षत्र, इसमें काफ़ी प्रिकॉशंस लेने वाली ये बात है, ये एक नेगेटिव साइन दिखता है। तो अगर हम रेमेडी की बात करें कि इस नक्षत्र से हमें रेमेडी के द्वारा कैसे शांत रहे, तो दो चीज़ों की आप रेमेडी कर सकते हैं। एक तो आप मंगल के लिए लाल चीज़ों का दान और राहु के लिए आप काली चीज़ों का दान दे सकते हैं। इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से आप इसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस से आपको काफ़ी कमी आपके लाइफ में आने वाली है। और ये वीडियो हमने स्पेशली जो इसका इन्फ्लुएंस है प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके ऊपर रिसर्च करी है, तो आपके कमेंट्स के हम वेट करेंगे कि आपको कैसी लगी वीडियो। और अगर आप इसको दूसरे लोगों में भी शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि उन लोगों के बीच में भी ये इस नॉलेज का संचार हो रहा है। तो इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।